पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पर इंदौर स्टेशन तथा उज्जैन और रतलाम से चलने वाली सभी गाड़ियों में कोरोना वायरस के बचाव के लिए यात्रियों द्वारा संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं जैसे हैंडल, रेलिंग, टॉयलेट के दरवाजों पर लगे हैंडल्स को सैनिटाइजर लाइजॉल से क्लीन किया गया, ताकि किसी भी यात्री को कोरोना वायरस का इफेक्टिव यात्री द्वारा छोड़े गए वायरस का प्रभाव न पड़े। इसलिए नीट एंड क्लीन करके इस वायरस से बचाया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके तहत सभी जो गाड़ियां हैं, चाहे इंदौर से रवाना हो रही हों, उज्जैन से रवाना हो रही हों या रतलाम से पास हो रही हों, सभी गाड़ियों में सैनिटाइज़र लाइजॉन के द्वारा उनके हैंडल्स हैं या जो टॉयलेट हैं उनके दरवाजे हैं या जो सीटें हैं उनको क्लीन किया जा रहा है और उसको साफ किया जा रहा है, जिससे कि अगर कोई भी इफेक्टिव यात्री आता है उसे तो उसके उसे बचाया जा सके। इसके साथ में रतलाम मंडल के सभी स्टेशन पे अनाउंसमेंट के द्वारा कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से उससे बचा जा सकता है। साथ ही सभी स्टेशन पर पोस्टर और बैनर के द्वारा भी लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक किया जा रहा है कि उससे किस तरह से बचाया जा सकता है। साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने चिकित्सालय हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट किया गया है कि अगर किसी इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो तत्काल प्रभाव से उन लोगों से संपर्क करके हम लोग उनको इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो रेल प्रशासन पूरी तरह से कोरोना वायरस उसके बचाव के लिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।